हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में फ़ोनपे का बिजनेस अकाउंट बनाने के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना होता है और इसमें आकर दोस्तों आपको सर्च करना है, लिखकर फ़ोनपे बिजनेस आपको लिखकर सिंपली सर्च कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर उसका ऐप देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना होता है। हो रहा है तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर स्कैन हो रहा है। तो दोस्तों, हम यहाँ से इसे ओपन का ऑप्शन मिल चुका है, तो हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पर कुछ परमिशन मांगता है, तो हमें यहाँ से परमिशन दे देना होता है। इसके बाद दोस्तों, अपना मोबाइल नंबर जो आपके अकाउंट से लिंक है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना होता है। इसके बाद दोस्तों, आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना होता है। जैसे आप यहाँ पर दोस्तों वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, आपके नंबर पे 5 डिजिट का OTP भेजा जाता है। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में नंबर आता है तो ये ऑटोमेटिक ले लेता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा ऑटोमेटिक ले चुका है। दोस्तों, हमें यहाँ पर फिर से इसे अलाउ कर लेना होता है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट योर स्टोर, क्रेडिट योर ऑनलाइन किराना स्टोर इन ए फ्यू क्लिक्स। दोस्तों, यहाँ पर कॉन्टेक्ट भी देख सकते हैं, एक्सेप्ट पेमेंट, ये सब आपका मैथड दिखा रहा है। दोस्तों, यहाँ से आपको गेट स्टार्ट कर लेना होता है और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, व्यू एंड एडिट योर कम्प्लीट प्रोफाइल डिटेल्स, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना होता है। और यहाँ से फिर हम यहाँ पर इसे नेक्स्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर स्टोर पर क्लिक यहाँ पे डाउन कर लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ पर फिर से स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना होता है। और दोस्तों, हमें यहाँ पर बिजनेस नेम अपना दे देना होता है, जैसे कि हम यहाँ पर अपना किराना स्टोर नेम दे देते हैं। और इसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर बिजनेस कैटेगरी चूज कर लेना होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर अपना बिजनेस कैटेगरी चूज कर लेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अदर इसको रहने देते हैं। और इसके बाद दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ से इस पर प्रोफाइल भी लगा सकते हैं, अपने किरा अपना स्टोर का यहाँ से पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ से इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नो लोकेशन प्रोवाइड अवेलेबल। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ओपन सेटिंग पर आकर यहाँ से अपना लोकेशन इनेबल कर देते हैं। और इसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर अपना फ्लैट नंबर या बिल्डिंग नंबर यहाँ पर देना होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर अपना हाउस नंबर दे देते हैं और इसे यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। दोस्तों, ये हमारा ऑटोमेटिक लोकेशन ले लेता है। और इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर एक्सेप्ट पेमेंट नाउ यहाँ पर क्लिक कर देना होता है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें भीम UPI से नेट चार्ज, नो पेमेंट, 0% यहाँ पर दोस्तों आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालना होता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अपना पूरा फुल डिटेल यहाँ पर बैंक डिटेल्स डाल चुके हैं। और दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पर इसे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ पर एक्सेप्ट अनलिमिटेड पेमेंट्स पे क्लिक करना होता है। और इसके बाद दोस्तों, हम इसे इंडिविजुअल ही रहने देते हैं और इसे कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर अपना यूज GST नंबर भी देता है। अगर आप GST नंबर नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना पैन कार्ड दे सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर दे देते हैं। पैन कार्ड नंबर यहाँ पर दे चुके हैं और इसे हम यहाँ से वेरीफाई कर देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये हमारा वेरीफाई डिटेल्स हो रहा है, वेरीफाई डिटेल्स। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, योर वेरिफिकेशन इज़ कम्प्लीट। तो दोस्तों, हम यहाँ से इसे डाउन कर देते हैं। और इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर शो QR कोड पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हमारा
यहाँ पर क्यूआर कोड अभी जनरेट नहीं शो कर रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं देयर आर नो क्यूआर कोड लिंक टू योर अकाउंट। दोस्तों हम यहाँ से इसे फिर कॉट कर देते हैं और इसके बाद दोस्तों आप नीचे में देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा पेमेंट एंड क्यूआर कोड विल बी एक्टिवेटेड इन 2 or 3 days सक्सेसफुली वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों ये आपका 2 से 3 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको क्यूआर कोड मिल जाता है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपको आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर में क्यूआर कोड मिल जाएगा। दोस्तों आप इसके बाद देख सकते हैं कि ये हमारा आधे घंटे के बाद क्यूआर कोड मिल चुका है। दोस्तों जैसे हम यहाँ पर सब क्यूआर कोड पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्यूआर कोड यहाँ पर शो होने लगा है। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।